तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं IQ Z6 Pro की क्विक अनबॉक्सिंग और बताऊंगा अपना डिटेल्ड रिव्यू इस स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन जो है वैसे 24,000 का आता है, बट मेरे को जो है यहाँ पे अमेजोन की सेल में 20,000 का परचेज किया है। क्या 20,000 में इसके ये जो है वर्दी स्मार्टफोन है, या फिर 24,000 भी अगर आपके पास है तो आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं, तो इसे जानने के लिए यार वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डाले तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है IQ Z6 Pro का जो है आपको बॉक्स देखने को मिलता है। ये सिमिलर बॉक्स जो है IQ Z3 में भी देखने को मिला था, तो एज सच बॉक्स में कुछ भी चेंज नहीं है। बात करें बॉक्स कंटेंट्स की तो यहाँ पे जो है आपको कुछ यूजर मैनुअल देखने को मिलते हैं, उसके नीचे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है, इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको 66 वॉट की ब्रिक देखने को मिलती है और साथ में जो है आपको एक टाइप सी USB केबल देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है। तो आप जो है यहाँ पे कुछ ये है आपके बॉक्स कंटेंट्स। तो यहाँ पे जो है स्मार्टफोन बूट हो रहा है, इतने जो है यहाँ पे बढ़ते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको 6.44 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 90 हर्ट्ज की आपको फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, और मैंने जो है ब्राइट सनलाइट में भी इस स्मार्टफोन को यूज करा, 1300 निट्स की ब्राइटनेस होने की वजह से इसकी जो डिस्प्ले थी काफी ज्यादा ब्राइट लग रही थी। और बात करूं यहां पे इसके कलर्स की, तो यहाँ पे मैंने वीडियो वगैरह प्ले करी HDR10+ में, तो मुझे जो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी थी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जो कलर्स थे काफ़ी पंची आ रहे थे। और यहाँ पे जो बट मेरे को एक चीज़ की दिक्कत देखने को मिली कि आजकल जो है यार स्मार्टफोन्स के अंदर आपको पंच होल जो है यहाँ पे ट्रेंड में है, तो अभी ये जो है इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिलती है, तो ये थोड़ा सा जो है मुझे इसका डिमेरिट लगा। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो ये स्मार्टफोन जो है डिस्प्ले के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 778G जो है आपको दिया गया है, जिसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 30,000 के नीचे ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पे मैंने गेम्स वगैरह खेले हैं, तो यहाँ पे PUBG या फिर BGMI जो है यहाँ पे मैंने खेला, तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम पे जो है खेल सकते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे, तो मुझे ऐसा सच कोई लैग देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी और काफ़ी सारे गेम्स प्ले करे, Asphalt 9 भी प्ले करा, तो मुझे एक्सट्रीम सेटिंग्स पे भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले की वजह से जो गेम्स थे यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ब्राइट डिस्प्ले है तो उस वजह से जो है मुझे गेम्स खेलने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैंने जो है इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क्स पे भी रन किया, तो यहाँ पे मुझे 538,000 का स्कोर देखने को मिला, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है 25,000 के नीचे स्मार्टफोन के लिए। यहाँ पे जो है मैंने थ्रोटलिंग टेस्ट भी किया, थ्रोटलिंग टेस्ट में भी जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली, ये थ्रोटल नहीं कर रहा था, और जो परफॉर्मेंस थी वो स्मूथ थी, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई ड्रॉप्स देखने को मिल रहे थे। और रही बात हीटिंग की, तो हीटिंग भी मुझे इसमें नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे जो है आपको वेपर लिक्विड चैम्बर देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से जो है ये स्मार्टफोन जो है गेम खेलते समय या फिर अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे ये हीट इतना ज़्यादा नहीं होता है। और दोस्तों बात करें इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रोकर्स दिया गया है, साथ में एक पावर बटन भी दिया गया है, और ऊपर आपको जो है फ्रंट साइड में देखने को मिलता है एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, साथ में जो है यहाँ पे आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर, और यहाँ पे जो है आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी जो है पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। और बात करूँ यहाँ पे इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और यहाँ पे जो कलर है ना ब्लू वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आप जो है यहाँ पे डे लाइट में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिल सकते हैं, पर्पलिश टोन या फिर डिफरेंट डिफरेंट टोन आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर से यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक तो दी गई है, बट यहाँ पे जो ये स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है उस पर आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस जो है इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं, और मैंने ऐसा यहाँ पे देखा भी तो स्क्रैचेस नहीं आ रहे थे अभी तो फिलहाल। अब नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे कैमरे की, तो यार कैमरे में आपको जो यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर, और 2MP का जो है आपको यहाँ पे एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है।
अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ IQ Z3 5G से, तो यहाँ पे आपको सेम सेंसर दिया गया है सैमसंग का 64 MP का। तो यहाँ पे मुझे उसमें जो कैमरे की जो परफॉर्मेंस है, IQ Z3 जो है मेरा पर्सनली जो है मैं प्राइमरी स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, तो मुझे कैमरे में डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। और अगर यहाँ पे फ्रंट कैमरे की भी बात करूँ तो यहाँ पे आपको 16 MP का एक सेल्फी सेंसर दिया गया है, तो उसमें भी जो है यहाँ पे IQ ने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो जो कैमरे से अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IQ Z3 Z5 से ज़्यादा अच्छा कैमरा दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है आपको सिमिलर कैमरा परफॉर्मेंस जो है इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है मैंने रियर कैमरा और फ्रंट कैमरे से कुछ कैमरा सैंपल्स भी लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं डेलाइट कंडीशंस में काफ़ी अच्छी फोटोज आती हैं, और अल्ट्रा वाइट लेंस भी जो है काफ़ी अच्छे जो है अल्ट्रा वाइट शॉट्स निकालते हैं मैक्रो सेंसर से, या 2 MP का मैक्रो सेंसर, वही सेम जो है आपको थोड़ी कम क्लैरिटी के साथ जो है इमेजेस देखने को मिलती हैं। प्राइमरी सेंसर से भी जो है आप उतना पास नहीं मैक्रो शॉट ले सकते हैं, बट उससे भी जो है शॉट्स काफ़ी आते हैं मैक्रो शॉट्स, अगर आप लेना चाहते हैं तो प्राइमरी सेंसर से उनकी क्लैरिटी जो है फार बेटर आती है, जो कि आपको एक डेडिकेटेड मैक्रो सेंसर से देखने को मिलती है। और यहाँ पे इंडोर कंडीशंस में भी आप शॉट्स देख सकते हैं, तो क्लैरिटी जो है ठीक देखने को मिलती है। नाइट शॉट्स भी देख सकते हैं, फ्लैश सैंपल्स भी देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके के जो है आपको रियर कैमरे से जो है सैंपल्स देखने को मिलते हैं। बात करूँ यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरे से, तो फ्रंट कैमरे में आपको 16 MP का सेंसर दिया गया है, जिसकी जो मैं कहूँगा कि जो क्लैरिटी है या फिर जो मतलब इमेजेस जो फाइनल शॉट्स आते हैं वो काफ़ी जो है ब्राइट आते हैं। काफ़ी मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको डायनेमिक रेंज भी ठीक देखने को मिलती है, ऐसा सच मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी जो है काफ़ी अच्छे आते हैं आपके यहाँ पे फ्रंट कैमरे से। वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी मैंने यहाँ पे, वीडियो जो थी आपको 1080 60 FPS 4K 30 FPS जो है मैक्सिमम रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी करी। यहाँ पे 1080 60 FPS में विदाउट एनी स्टेबलाइजेशन के जो है यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज देख सकते हैं। डायनेमिक रेंज मुझे ठीक लग रही है, और आप भी यहाँ पे खुद देख पा रहे होंगे कि डायनेमिक रेंज ठीक तरीके से मेंटेन कर पा रहा है बैक साइड में कैमरा। और स्टेबलाइजेशन जो आपको अगर ऑफ कर देते हैं स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा दोनों ऑफ कर देते हैं, तो आपको स्टेबलाइजेशन में ठीक नहीं मिलती है, बट जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का मोड भी देखने को मिलता है, तो कुछ उस इस तरीके की जो है यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है वॉकिंग में। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि हल्के हल्के जर्क्स नज़र आ रहे हैं जैसे जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन ठीक देखने को मिलती है। दोस्तों करंटली आप देख सकते हैं मैं IQ Z6 Pro के जो है फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ 1080p में, और जो ऑडियो है वो भी इसी के माइक से शूट हो रही है, तो आप जो है ऑडियो क्वालिटी भी अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे जो है यहाँ पे डायनेमिक रेंज जो है वो इस कैमरे के फ्रंट कैमरे से ठीक नहीं लग रही है, इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से, तो क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे कि जो स्काई है वो बिल्कुल ही जो है ब्लस्ट हो चुकी है समझ। यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखना चाहिए था, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है आपको कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मैं भी फिलहाल जो आपको स्टेबलाइजेशन दिखा देता हूँ कि अगर आप चलते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके की जो है स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। वैसे तो कलर्स जो है नीचे सही आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपर साइड में देखेंगे जहाँ पे ब्राइटनेस जो है, या फिर मैं कहूँ सनसेट कलर, तो जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डायनेमिक रेंज है वो इस ये कैमरा जो है बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो आप ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेलिंग है वो बिल्कुल ही जो है ब्लस्ट हो चुकी है, ब्लर हो चुकी है, आप नहीं पहचान सकते कि वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायनेमिक रेंज है वो फ्रंट कैमरे से सही से मेंटेन नहीं हो पा रही है। बात करें यहाँ पे UI के, तो यहाँ पे आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, FunTouch OS 12 देखने को मिलता है। मुझे जो है ये OS ठीक लगता है, एज सच मुझे कोई ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिले हैं, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिला है। और बात करें यहाँ पे इसकी बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको जो है 4700 mAh की बैटरी दी गई है, 66 W की जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। मैंने ये जो स्मार्टफोन यूज़ करा, मैंने क्या कहते हैं सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करी, कॉल पे बात वगैरह करी, थोड़े बहुत गेम्स प्ले करे, तो मुझे जो है 1.5 दिन का बैटरी बैकअप बड़े आराम से देखने को मिला। और 66 W की फास्ट चार्जिंग होने की वजह से 30 या 35 मिनट्स में जो है ये स्मार्टफोन जो है 0 to 100 फुल चार्ज भी हो जाता है, तो बैटरी और चार्जिंग जो है इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी दी गई है। और बात करूँ यहाँ पे इसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी मुझे ठीक लगी, बट मुझे एक चीज़ की दिक्कत लगी कि यहाँ पे सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में जो है स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो आपको एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है।
अगर आप परफॉर्मेंस कहें तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो है परफॉर्मेंस या फिर जो क्वालिटी है वो ऑडियो की वो काफ़ी अच्छी आती है, बट अगर स्टीरियो स्पीकर्स होते तो यार थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे आपको जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, जिसकी मैं कहूँगा कि रिलायबल है बट इतना फास्ट मुझे नहीं देखने को मिला। बाकी स्मार्टफोन्स में रियलमी के काफ़ी स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, MI के काफ़ी स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें जो है मुझे ये अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट है वो ज़्यादा फास्ट लगा है एज़ कम्पेयर टू IQ Z6 Pro। और यहाँ पे जो है मैंने इसके बैंड्स भी अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको 7 5G जो है बैंड्स देखने को मिलते हैं, तो ये ठीक है अगर आप 5G स्मार्टफोन कोई ढूंढ रहे हैं। तो दूसरी चीज़, अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन भी ढूंढ रहे हैं जो कि लाइट वेट हो, ये 180 ग्राम्स का जो है सिर्फ है और इसकी स्क्रीन साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स में जो है 6.8 इंचेस 6.9 इंचेस तक की डिस्प्ले आती है, इसमें आपको 6.44 इंचेस की देखने को मिलती है। इसका जो है यहाँ पे थिकनेस भी 8.5 mm का देखने को मिलता है, तो ये जो फ़ोन है लाइट वेट भी है और इसकी थिकनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाथ में अगर आप जो है होल्ड करेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छा प्रीमियम स्मार्टफोन जो है फीलिंग आने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूँ तो 25,000 के अंडर जो है आप इसे डेफिनेटली जो है कंसिडर कर सकते हैं। आपको जो है डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कैमरा है वो भी काफ़ी कंसिडरेबल देखने को मिलता है, आपको बैटरी और चार्जिंग भी अच्छी देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। तो ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा जो है एक ओवरऑल पैकेज है अगर आप 25,000 के अंडर कोई स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक जो है IQ Z6 Pro का एक क्विक अनबॉक्सिंग और जो है एक डिटेल्ड रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यार चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने नेक्स्ट टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोज आती रहेंगी।